ऐसी ही चर्चा पाकिस्तान में वायरल हो रहे इस वीडियो की भी हो रही है। अयाज मेमन मोतीवाला ने तो पाकिस्तान के गणतंत्र को गटर में दिखाया, लेकिन इस शख्स ने तो लोकतंत्र का चौथा खंभा माने जाने वाली पत्रकारिता को ही गटर में धकेल दिया। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। लाहौर में जगह जगह पानी खड़ा है, वहाँ पर मौजूद हूँ और काफी इंजॉय कर रहा हूँ। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर पानी के बीच बाथटब में बैठकर रिपोर्टिंग कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाहौर की सड़कों पर बारिश के बाद पानी इतना भर चुका है कि बाथटब में बैठकर तैरा जा सकता है। कुछ देखा आपने? क्या इन तस्वीरों का राज आप पकड़ पाए? एक बार फिर देखें। लाहौर में बारिश का पानी भरने की रिपोर्टिंग के वीडियो में ही रिपोर्टर का झूठ पकड़ में आ गया। जैसे इस रिपोर्टर ने बच्चों के खिलौनों के साथ बाथटब में बैठकर लाहौर में पानी जमा होने के लिए प्रशासन पर निशाना साधना शुरू किया, तभी उसके पीछे से एक आदमी गुजरा जिसकी चप्पलें भी इस पानी में पूरी तरह से नहीं डूबी थी। पाकिस्तान की मीडिया कितनी संजीदगी से काम करती है, ये उसका एक नमूना है। वैसे रिपोर्टर ने अपनी खबर देने के लिए तामझाम तो खूब फैलाया था। उसने बकायदा बच्चों के बाथटब खरीदे, सामने बच्चों के खिलौने रखे और रिपोर्टिंग शुरू कर। काफी इंजॉय कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पूल का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन ना तो रिपोर्टर को ध्यान आया और ना ही कैमरा मैन को, कि उनकी खबर को पीछे से गुजरने वाला आदमी नकार रहा है। और तो और, इस खबर को वहाँ के न्यूज चैनल ने ऑन एयर भी कर दिया। अब आप इस वीडियो को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वाकई यहाँ इतना पानी भरा है कि लोगों को तैर कर जाना पड़े। रिपोर्टर ने लाहौर में पानी की निकासी ना होने का मुद्दा उठाया और सड़क पर बच्चों के टब में बैठकर तैरने का दावा किया और आरोप लगाया कि लाहौर में सीवर की सफाई का काम ना होने की वजह से बारिश का पानी लाहौर की सड़कों पर भर गया। इस रिपोर्टर की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग के समय की तस्वीरों ने ही उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें उसने अपने न्यूज चैनल के दर्शकों को लाहौर के कई इलाकों में पानी भरने की खबर पर धोखा देने की कोशिश की। मैं किसी स्विमिंग पूल में नहीं, बल्कि रोड के किनारे जहां पर पानी खड़ा है और लाहौर में जगह जगह पानी खड़ा है, वहां पर मौजूद हूं और काफी इंजॉय कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये पूल का मंजर पेश कर रहा है और वाटर पूल मैंने लिया हुआ है और इसमें मैं काफी इंजॉय कर रहा हूं। अगर लाहौर पूरे की बात की जाए तो आज मूसलाधार बारिश हुई है, मौसम खासा खुशगवार हो गया, अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी जारी है, लेकिन जो निकासी आब है आज वो उसके नाकिस इंतजाम जो है वो देखने में आए हैं। वासा बिल्कुल पानी निकालने में नाकाम हो गया। गली मोहल्लों में लोगों के पूल तो बन चुके हैं, तो वो ये यकीनन वाटर पूल लेकर उसमें इंजॉय करें, क्योंकि उनका पानी जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वासा की मशीनें जो हैं वो नाकाम नजर आ रही हैं। लक्ष्मी चौक, शाहदरा, ग्रीन टाउन, उसके साथ साथ जे रोड और फिर प्रेस क्लब के बाहर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर पूल बन चुके हैं और इनको इसी तरह से एंजॉय किया जा सकता है। पाकिस्तान के इस रिपोर्टर ने लक्ष्मी चौक और शाहदर जैसे लाहौर के पुराने इलाकों में पानी भरने की झूठी खबर दिखाई। अब पाकिस्तान के ये दोनों चेहरे वहां के लोकतंत्र की हालत बयां कर रहे हैं। मोतीवाला गटर में, कचरे में, मेन होल में खड़े होकर पाकिस्तान की सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है, तो दूसरा वहां की मीडिया का पर्दाफाश कर रहा है। ऐसी सरकार और ऐसी मीडिया के रहते पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसा आम चुनाव जिसकी चर्चा आम लोगों के मुद्दों और लोकतंत्र की कसौटी की वजह से नहीं, बल्कि हाफिज सईद जैसी आतंकियों और मोतीवाला जैसे लोगों की वजह से हो रही है।